हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट. और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट. तो यहाँ हमें दिया है कि इंडिया इज अ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज. इंडिया एक तरह से कह सकते हैं हम बहुत ही लकी है या फॉर्चुनेट है कि हमें फेयरली रिच मतलब काफ़ी अच्छा वेरिड मिनरल रिसोर्सेज इंडिया में पाए जाते हैं. हाउएवर दिस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन ये मिनरल्स या ये जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज जो हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर जगह एक जैसे क्वान्टिटी में आपको ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserve of coal. अगर हम पूरा डिस्क्राइब करें या ब्रॉडली कहें तो ये कह सकते हैं कि जो पेनिनसुलर रॉक्स हैं, पेनिनसुला एरिया के पास जो आती हैं पेनिनसुलर रॉक्स जो हैं, वो मोस्ट ऑफ द रिजर्व होती हैं कोल, मेटालिक मिनरल, मिका एंड अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में है पेनिनसुला के, इन गुजरात एंड आसाम, यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट सबसे ज़्यादा होता है. राजस्थान विद रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला, राजस्थान में रॉक सिस्टम है पेनिनसुला की, यहाँ पर रिजर्वायर्स हैं नॉन फेरस मिनरल के. वास्ट एलुवियल प्लेन्स जो है नॉर्थ इंडिया में, ये ऑलमोस्ट डिवॉइड है इकोनॉमिक मिनरल्स से. ये वेरिएशन एग्जिस्ट होते हैं लार्जली, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है इनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, प्रोसेसेस में, टाइम जो है इन्वॉल्व होता है इनके फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स में उसके ऊपर डिपेंड है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं. लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया. अब अगर हम स्टडी करें तो देखेंगे किस तरह से मेजर मिनरल्स जो है इंडिया में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओवर द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द रिजर्व. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उस मिनरल का, मतलब उस पर्टिकुलर ओर में या उस खान में हमें कितना मिनरल मिला है, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना आसानी से एक्सट्रैक्ट हुआ या कितना पैसा लगा है, क्लोजनेस कितना है मार्केट प्ले का, मार्केट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को बताती है या उसके चार्ज को बताती है, वैल्यू को बताती है. दस टू मीट द डिमांड, और इसीलिए डिमांड को पाने के लिए या मीट करने के लिए चॉइस जो है ये बनाई गई है बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस. जब ये होता है तो मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व जो है ये माइन में कन्वर्ट हो जाते हैं. फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल. मेटेलिक मिनरल में 3/4 जो है, 3/4 जो है टोटल वैल्यू प्रोडक्शन का, वो सिर्फ 3/4 जो पार्ट है वो फेरस मिनरल्स का होता है. ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. इंडिया एक्सपोर्ट करती है सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल को आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स. मतलब इंडिया की डिमांड्स अगर कंप्लीट हो जाती हैं फेरस मिनरल्स में, तो फिर हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं या अदर कंट्रीज को भी भेजते हैं. आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है ये बेसिक मिनरल है और बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. मतलब इंडस्ट्रीज में, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में आयरन होना बहुत जरूरी है, आयरन का यूज सबसे ज्यादा होता है. इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर. और इंडिया को एक कह सकते हैं भगवान की देन है कि यहाँ पर एबंडेंट मतलब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में आयरन ओर अवेलेबल है. इंडिया रिच है इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, और क्वालिटी भी उस आयरन ओर की बहुत ही अच्छी है. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. उसमें मैग्नेटाइट जो है वो सबसे फाइनेस्ट मतलब सबसे साफ आयरन ओर है, जिसमें आयरन का कॉन्सेंट्रेशन करीब 70% है. उसके अलावा 30% में दूसरे एलिमेंट्स मिले हुए हैं. इट हैज एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज भी बहुत अच्छी हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. और वो जो है क्वालिटी अच्छी होने के कारण वो स्पेशली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में. हेमाटाइट ओर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, कितनी क्वांटिटी यूज होती है इसके हिसाब से. बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट एंड मैग्नेटाइट. लेकिन जैसे मैग्नेटाइट में 70% आयरन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, कंटेंट होता है, हेमाटाइट में देखेंगे तो 50-60% होता है, मतलब स्लाइटली लेस होता है या कम होता है. ये देख सकते हैं आप प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर जो शो कर रहा है स्टेट वाइज शेप शेयर एंड प्रोसेंट. 2003 और 2004 का ये सर्वे किया होगा जिसके थ्रू हमें पता चला है. ये जैसे देख सकते हैं कर्नाटक में 26% प्रोडक्शन है आयरन ओर का, वहीं उड़ीसा में 25, छत्तीसगढ़ में 19, गोवा में 17, झारखंड में 12, और बची हुई जो 1% है वो अदर स्टेट से हमें
मिलता है। एक और चीज दी है यहाँ पर आपको, डू यू नो कुद्रे इन कन्नड़ा मीन्स हॉर्स। कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स। और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल द फेस ऑफ हॉर्स, मतलब जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची वाली चोटी है वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका के, वो रिजेंबल करती है, देखने में दिखती है कि वो फेस ऑफ हॉर्स है, हॉर्स के चेहरे की तरह दिखती है। बेलाडीला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ द ऑक्स, ऑफ एन ऑक्स, ऑक्स के हम्प की तरह दिखती हैं बेलाडीला हिल्स, और इसीलिए उनका नाम भी वही नाम इसीलिए दिया गया है। मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर, मेजर आयरन ओर बेल्ट्स कहाँ पर हैं या कहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं? ओडिशा झारखंड बेल्ट। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। मतलब देख सकते हैं कि ओडिशा झारखंड बेल्ट में ओडिशा में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ओर फाउंड होता है बदम पहाड़ माइंस में, जो मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। इन द एडजॉइनिंग सिंगभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर माइन किए जाते हैं गुआ एंड नौमुंदी में। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, चंद्रपुर बेल्ट वो लाई करता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में, जहाँ पर वेरी हाई ग्रेड है हेमेटाइट का, जो फाउंड होता है फेमस बालाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। रेंज जो है हिल्स की, ये कंप्रेस करती है 14 डिपॉजिट्स को जो सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयन ओर है। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी वो भी बहुत अच्छी है। नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, जो कोई भी स्टील की चीज़ बनाने के लिए लगती है वो चीज़ है उसमें है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्ट टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। और जो आयरन ओर यहाँ से मिलते हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देश जापान और साउथ कोरिया में भेजा जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। बलेरी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ आयरन ओर। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है वो इतना लंबा है जिसमें ये सारी चीज़ें या ये सारी जगहें कवर होती हैं। बेलेरी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर और तुमकुर बेल्ट, ये पूरा बेल्ट जो है इसमें आयरन ओर सबसे ज़्यादा लार्ज रिजर्व करते हैं। कुंदरमुख माइंस जो लोकेट की गई है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में, ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। कुंदरमुख डिपॉजिट को कहा जाता है नोन टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बड़ी डिपॉजिट यहाँ पर मानी जाती है वर्ल्ड की। और जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्लरी के फॉर्म में थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। मैंगलोर के पास में एक पोर्ट है जहाँ से पाइपलाइन के थ्रू ओर को स्लरी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसमें इंक्लूड होता है स्टेट गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है। दो ओर्स जो है वो वेरी हाई क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन फिर भी एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड हैं, येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड। आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं थ्रू मारमांगाओ पोर्ट। अब मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज जो है मेनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील और फेरोमैग्नीज अलॉय के। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 ton ऑफ स्टील। 1 ton ऑफ स्टील को बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज लगता है। और ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने के लिए भी। मतलब आप देख सकते हैं कि मैग्नीज का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में। एक हमें और ग्राफ दिया हुआ है प्रोडक्शन जो बताया है मैंगनीज का, जो शो करता है स्टेट वाइज शेयर को 3 और 4 में। ओडिशा में 33%, मध्य प्रदेश 22, कर्नाटक 15 और अदर्स में मिलाकर 30% होता है। ओडिशा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैगनीज का, मैगनीज ओर का ऑल ओवर इंडिया में। यह अकाउंट करता है 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2001 के बीच के सर्वे में ये पता चला कि 1/3 ऑफ जो मैगनीज का प्रोडक्शन है वो ओडिशा से ही हमें मिलता है ओवरऑल कंट्री के टोटल प्रोडक्शन को देखे तो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने फेरस मिनरल्स को तो देख लिया है, नॉन फेरस मिनरल्स जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक हमने देख लिया है। अब नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।